क्रेटा की जहां तक बात है, तो ह्युंडई इंडिया के करंट पोर्टफोलियो में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इनफैक्ट ये अपने सेगमेंट में बेस्ट सेलर है। अगस्त 2021 की अगर हम बात करते हैं तो ह्युंडई ने क्रेटा के ऑलमोस्ट 12,597 यूनिट्स बेचे और इस नंबर के साथ ये नंबर वन पोजीशन पे भी आ जाता है। इन सब के बावजूद भी ह्युंडई को लगता है कि इस पर्टिकुलर कार को जो है एक अपडेट की ज़रूरत है। और एक चीज़ ज़रूर गौर करें कि ये जो कार है ये पिछले साल ही हमारे मार्केट में लॉन्च हुई है, तो बस एक साल पुरानी ही कार है और इसको जो है अब एक मेजर अपडेट मिलने वाला है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? वेल, आज इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि इसका जो जवाब है आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब से ह्युंडई ने न्यू जनरेशन क्रेटा को ग्लोबली अनवेल किया था, इसके डिज़ाइन को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो है मिक्स्ड ओपिनियंस रहे थे। कई लोगों को ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आई, कई लोगों को इसका डिज़ाइन जो है फ्रैंकली काफ़ी ज़्यादा पोलराइजिंग लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके डिज़ाइन को लेकर जो है कभी भी इसके सेल्स नंबर पर अफेक्ट नहीं हुआ। एंड अगर हम फ्रंट फेशिया की बात करते हैं तो अब जो अपडेटेड क्रेटा आने वाली है उसमें आपको एक कम्प्लीटली नया फ्रंट फेशिया मिलेगा। अगर आपने लेटेस्ट जनरेशन 200 को देखा है तो कहीं ना कहीं सेम सही फ्रंट डिज़ाइन जो है अब आपको नए क्रेटा में भी देखने को मिलेगा। अब ऐसा मेनली दो रीज़न से ह्युंडई कर रही है। नंबर वन, ऑब्वियसली बात है, कई लोगों को इसका पर्टिकुलर फ्रंट डिज़ाइन जो उतना पसंद नहीं आया था, तो इसी वजह से इसको भी ह्युंडई अब चेंज कर रही है। नंबर टू, जो एक यूनिफॉर्मिटी है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन लैंग्वेज, वो अब अक्रॉस एसयूवी लाइनअप ह्युंडई में देखने को हमें मिल जाएगा। बम्पर्स में आपको नए डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे एंड टेल लैंप भी जो है अब स्लाइटली डिफरेंट डिज़ाइन के साथ आने वाला है, बट ओवरऑल जो कार है वो वही सेम रहने वाली है। अब डिज़ाइन के साथ ही यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि ह्युंडई जो है इसमें और भी काफ़ी सारे चेंजेस लाने वाली है। तो बाकी क्या चेंजेस हैं उस पर हम बात करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस की। वेल, जहाँ तक बात है इंजन ऑप्शंस की, तो यहाँ पे कोई इंजन्स में चेंजेस नहीं होंगे। जो पर्टिकुलर लाइनअप अभी हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल एंड दी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, वही जो है हमें आगे भी देखने को मिलने वाला है विद दी सेम सेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑप्शंस। तो उसमें तो कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो चेंज है वो है इसका न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब जिस टाइप का आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है हिंदी ह्युंडई अल्काज़ार, वही सिमिलर यूनिट जो है आपको देखने को मिल जाएगा अब अपडेटेड क्रेटा में भी। हालांकि ये पर्टिकुलर यूनिट ऑब्वियस सी बात है आपको बस टॉप ऑफ द लाइन मॉडल्स में ही देखने को मिलेंगे एंड उससे जो लोअर मॉडल्स है उसमें जो करंट टॉप ऑफ द लाइन मॉडल का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ, बोस का म्यूजिक सिस्टम, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट, ये सभी चीज़ें जो है आपको इंटैक्ट देखने को मिलेगी, तो उसमें जो है कोई भी बड़े बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे इंटीरियर्स पे अपडेट खत्म हो जाते हैं। अब एस्टर को देखते ही ह्युंडई को समझ में आ गया है कि आने वाले समय में ये पर्टिकुलर कार जो है क्रेटा को काफ़ी बड़ी टक्कर देने वाली है। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है एस्टर के AI एंड ADAS फीचर्स। अब ADAS फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे MG ने एस्टर को बहुत ही मतलब तगड़े तरीके से लोड कर रखा है। एंड अगर हम क्रेटा की बात करते हैं या फॉर दैट मैटर इस सेगमेंट में और किसी की कार की बात करते हैं, तो ऐसे फीचर्स आपको फिलहाल देखने को नहीं मिलते हैं। XUV700 है, बट देन हम अभी एस्टर और क्रेटा की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्रेटा में जो है आपको आने वाले फेसलिफ्ट में देखने को मिलेगा कुछ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। ये किस लेवल का होगा अभी उस पर जो है कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मोस्टली इसमें जो है आपको बेसिक ADAS सिस्टम देखने को मिल जाएगा जिसके तहत मोस्टली आप लेन कीप असिस्ट वगैरह का लाभ उठा सकते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होने वाला है और क्रेटा को और भी ज़्यादा इन लाइन विद दी लेटेस्ट कंपटीशन ये कर देगा। ये जो पर्टिकुलर फीचर है, मोस्टली ADAS फीचर्स जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट्स तक ही जो है सीमित रखा जाएगा, उसके नीचे जो है आपको कोई भी ऐसे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है ह्युंडई का ब्लू लिंक,
उसमें भी अब कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे, मोस्टली सेफ्टी से रिलेटेड, जैसे कि स्टोलन व्हीकल ट्रैकिंग, स्टोलन व्हीकल इमोबिलाइजेशन, वैले पार्किंग मोड्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने ब्लू लिंक ऐप पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हो या iOS यूज़र। एंड अगर हम इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो मेनली जो रीज़न है वो यही है कि Hyundai को पता है कि आगे आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होने वाला है, क्योंकि XUV700, MG Aster, ये सभी कार्स जो हैं कहीं ना कहीं क्रेटा का एक अच्छा खासा मार्केट ले सकते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, Hyundai अपना नंबर वन पोजीशन छोड़ना नहीं चाहेगी, तो बड़े ही कम समय में इसमें फटाफट ये सारे फीचर्स लेके Hyundai क्रेटा को अगेन मार्केट में लॉन्च कर देगी। और इसी के साथ जो सबसे बड़ा सवाल आपका आएगा कि ये कार आखिर इंडिया में लॉन्च कब होगी। वेल, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस कार को हमारे मार्केट में पिछले साल ही लॉन्च किया गया है, तो एक साल के अंदर इसको अगेन लॉन्च करना इज़ लाइक बहुत ही कम टाइम है। तो Hyundai इंडिया क्रेटा को हमारे मार्केट में लेके आएगी समवेयर इन लेटर पार्ट ऑफ 2022। अब उससे पहले अगर आप क्रेटा लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आई वुड से कि हाँ, वेट ना करें, आप जाके ज़रूर ले लें, क्योंकि अब भी ये एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, और आपको EDS वाले फीचर्स चाहिए क्रेटा में तो अगले साल जो है आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले ये पर्टिकुलर कार हमें ऑलरेडी इंडोनेशियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी, एंड समवेयर नेक्स्ट मंथ जो है इसका भी ग्लोबल अनवेल हो जाएगा। यस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, एक क्विक ओवरव्यू वीडियो था ऑफ द ऑल न्यू Hyundai क्रेटा। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए, क्या Hyundai सही कर रही है करंट क्रेटा को ही अपडेट देकर इतने कम टाइम में? आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में दिए बगैर मत जाइए। विद दैट सेड गाइस, जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज वॉच योर सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।